मैं नहीं, कुछ नहीं, अब तो रहन दो। होगा कुछ नहीं, क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब तो कुछ नहीं, जब बोल रही थी तब तुमने सुनी नहीं। हाँ, क्या बोल रही थी? अब रहने दो। अब क्या हुआ? अब टाइम बीत गया, वो जब काम उसी टाइम होना था वो काम। हाँ हाँ तो कैसे हैं आप लोग, जमा दादी? और 11 बजने में है 10 मिनट, यहाँ से मेरा दूसरा व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट व्लॉग की मैं एंडिंग कर चुकी हूँ, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाना है मुझे। को कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कृति नागर 14 पर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं अपने यहाँ यहाँ कहीं पे भी लगा दूंगी अपना इंस्टाग्राम हैंडल, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। कभी जस्ट मैंने ना अपने एयरिंग जो मैं कल मार्केट से ख़रीद के लेके आई थी वो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपके साथ अपने 3 एयरिंग जो मैं कल न्यू मार्केट से ख़रीद के लेकर आई हूँ वो शेयर किए हैं। और काम मेरा सारा हो चुका है, झाड़ू पोछा खाना भी बना दिया है, किचन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दी है। तो अब कुछ कपड़े पड़े हैं धुले हुए, वो पड़े हैं कुर्सी के ऊपर, क्योंकि बैक प्रॉब्लम की वजह से मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रही थी। अभी भी है, ऐसा नहीं है नहीं है, पर हाँ अब पहले से थोड़ा सा बेटर है। तो उन कपड़ों को मुझे तय लगा के प्रेस तो मैंने नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट इस तरीके से लेके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ तो ठीक है, वरना फिर पेन होना शुरू हो जाता है ज़्यादा। तो बस बिना प्रेस करे ही मैं उनको अलमीरा में सेट करूँगी, और बल्कि मैं इनसे मशीन मंगा रही हूँ, सिलाई मशीन जो होती है, कि मैं ना ट्राई करूँगी। सिलाई मुझे नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ ये है कि सिंपल सिंपल सीधी सीधी सिलाई मार दूँगी। अगर कोई सिंपल सा सोफ़ा है ना, जो लकड़ी वाले सोफ़े चलते थे जिनकी गद्दियाँ अलग उठ जाती थी, उनके अगर कवर बनाने हों वो मैं बहुत ईजिली बना सकती हूँ, क्योंकि हमारे मायके में, मेरे मायके में वही वाले सोफ़े थे। तो मम्मी जब सोफ़ा का कवर सिलती थी तो मैं मम्मी के साथ बैठ जाती थी, तो इसलिए वो मुझे सिंपल वाला तो आता है। तो ये सिंपल नहीं है, इनमें थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, तो मुझे उस हिसाब से करके ट्राई करके देखेंगे, ट्राई करने में क्या। तो इसलिए मैं पुरानी वाली जो बेडशीट है ना, जो मैं रिटायर करने वाली हूँ, उससे ट्राई करूँगी कि अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कपड़ा डस्टिंग के काम आएगा जी, है कि नहीं। तो हम वेस्ट कुछ नहीं करती, हम हाउस वाइफ उसका कुछ ना कुछ ऑप्शन रखती हैं कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये कर देंगे जी। तो वही है, तो चलो करते हैं हम अपना काम शुरू। यहाँ पे जितने भी मॉर्निंग में मैंने बर्तन वॉश किए थे वो टोकरे में से उठा के मैं स्टैंड में लगा दूंगी, और शाम की चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए और इनके लिए। तो आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। तो मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, शाम के 4:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो चाय बन रही है और फिर उसके बाद चाय वाय पीती, फिर खाने पीने की तैयारी करेंगे। मशीन इन्होंने ला के नीचे से रख दी है, जो भी मुझे सोफे का कवर बनाना था। तो 2 बजे तक तो मैं वीडियो को ही उसमें करने में रह गई थी, 1 बजे तक जाके आज मेरी वीडियो पब्लिश हुई है, क्योंकि सुबह मेरे पास कोई भी ब्लॉग नहीं था। तो आज मैंने मॉर्निंग का जो भी रूटीन था वो आपके साथ शेयर किया, तो वही ब्लॉग मैंने डाला है। जो आज आपने ब्लॉग दिखा वो आज की ही मॉर्निंग का ब्लॉग है, और अभी मैं उसके बाद दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ जो कि कल जाएगा। तो चाय मैंने रख दी है, और जब तक चाय हो रही है तब तक मैं एक बार जो शाम को झाड़ू लगाते हैं वो झाड़ू लगा लेती हूँ शाम वाली, और बस फिर खाने पीने की तैयारी करेंगे और देखते हैं कि कवर का क्या काम करती हूँ अभी, क्या नहीं करती। लाइट नहीं आ रही है तो उस कमरे में अंधेरा है, तो मशीन लेके बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ बाहर बैठ सकते हैं, पर चींटियाँ कहाँ बैठने देने वाली हैं, चींटियाँ अंधाधुंध हो जाती हैं, पता नहीं इस मौसम में चींटियाँ क्यों हो जाती हैं। गर्मी में चींटियाँ रहेंगी ही रहेंगी, पूरा टाइम यहाँ पे चींटियाँ रहेंगी, इतना ढेर लग जाता है चींटियों का। मैं चाय को देख रही थी, तो चलो मैं झाड़ू लगा। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, चाय शाय पीने के बाद, मैं यहाँ पे शाम की सब्जी की तैयारी, आलू मटर की तैयारी कर रही हूँ। आलू मटर बनाऊंगी मैं सब्जी में। तो यहाँ
यहाँ पे मटर वगैरह मैंने छील ली है, आलू भी छील लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चलो जल्दी से लाइक कीजिए आप वीडियो को। मैंने आलू मटर सब छील लिया है, मतलब सब्जी बनाने की सारी तैयारी हो गई है। सिर्फ टमाटर को वॉश कर लिया है, तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। बाकी सारी जो मेरी तैयारी है वो मैं कर चुकी हूँ। तो उसके बाद हम बस कुकर रखेंगे गैस पे और तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा ना ऊपर से काला पड़ रहा था टमाटर, तो मैंने निकाल दिया है अलग कट करके, और इसको भी मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ। और एक कटोरी में सारे सूखे मसाले जो भी है ना वो रख लेती हूँ, और मैं थोड़ी सी पतली तरीदार सब्जी बनाऊंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट आप भर भर के कीजिए, भर भर के कमेंट कर सकते हैं आप मेरी वीडियोस पे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब कुछ फ्री है। तो मैंने टमाटर भी कट कर लिया है, तो बस कुकर रख देते हैं गैस पे। ये शेयर करने जा रही थी बनाने के लिए, पर मैंने सोचा उससे पहले आपको कुछ और चीज़ दिखाती। देखिए बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, सुबह से ही ऐसे हो रहा है। धूप निकल रही है, फिर घटा हो जा रही है, और इस टाइम तो धूप निकल रही है। ये देखिए पापा जी आ गए, तो धूप निकल रही है। तो जानते हो मम्मी क्या कहती थी, अगर धूप निकल रही है और बारिश हो रही हो तो कहीं पे गिदड़ा की शादी हो रही है। हमें तो बचपन में ये बताया जाता था। आपको आपकी मम्मी ने क्या स्टोरी शेयर करी है कि अगर धूप निकल रही हो और बारिश हो रही हो तो क्या हो रहा था? मेरी मम्मी तो यही बोलती थी कि अगर धूप निकल रही है ना और बारिश हो रही है तो कहीं पर गिदड़ा की यानी गिदड़ की शादी हो रही होती है, इसलिए बारिश हो रही है। चलो अब कर लेते हैं हम सब्जी, छोक लेते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दी जो हमने अपने बचपन में सुनी थी। आपने क्या सुना है या आपको नहीं कुछ ऐसी स्टोरी, तो हमारी मम्मा ने तो हमको ये बताया था। तो कुकर उतार लेते हैं। तो यहाँ पे आलू मटर की मैं सिंपल सी पतली सी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। उसके बाद वैसे तो बहुत सिंपल बनाती हूँ, आप सबको मेरी कुकिंग आ ही गई होगी कि मैं ऑलमोस्ट सभी सब्जी एक तरीके से बनाती हूँ, पर हर सब्जी का अपना एक अलग फ्लेवर होता है तो उस हिसाब से, पर बनाने का तरीका मेरा ऑलमोस्ट हर सब्जी का सेम ही होता है। रिफाइंड डालना, फिर जीरा हींग डालना, प्याज वगैरह डालना, टमाटर सूखे मसाले, वही सब सेम तरीका होता है। कोई हाँ कोई स्पेशल सब्जी बना रही होती हूँ ना तो उसका भी मेरा तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस कुछ कुछ मैं उसमें डिफरेंट कर देती हूँ। जैसे किसी में मैं मिक्सी में पेस्ट बना लेती हूँ, जैसे मैं दाल कभी भी टमाटर प्याज कट करके नहीं डालती उनको, उसमें मैं टमाटर प्याज लहसुन अदरक इन सब का पेस्ट बना के डालती हूँ। दाल में दाल मुझे वैसे ही पसंद आती है। मसूर की दाल में मैं जीरा और प्याज, कभी कभी मैं बिना प्याज के सिर्फ जीरे का और हींग का तड़का लगा के ही बनाती हूँ, तो मुझे इस तरीके से पसंद आती है। तो वही ना अपनी अपनी पसंद है। तो यहाँ तो मैं आटा मारने जा रही हूँ। आटा छान लिया है मैंने और सब्जी बन चुकी है। सीटी अभी मैंने निकाली नहीं है, जस्ट अभी गैस ऑफ करी है, 3 सीटी लग चुकी हैं। उसमें दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। बर्तन जितने भी इकट्ठे हो गए हैं मैंने सारे इकट्ठे कर दिए धोने के लिए। तो आटा लगा के जो भी 10 मिनट के लिए मुझे रेस्ट पे छोड़ना है उसको छोड़ के मैं तब तक बर्तन वॉश कर लूँगी। तो हम आटा भी लगा लेते हैं। तो लाइट चली गई है और मौसम तो सुहावना हो रहा है। हाँ जी, सुहाना मौसम हो रहा है। मन चाह रहा है कि छत पे बैठे आराम से, पर पहले निपटा लेते हैं अपने काम, फिर थोड़ी देर के लिए अगर छत पे ये आ जाते हैं तो फिर इनको लेके छत पे, क्योंकि मैं अकेले छत पे जाने से थोड़ा सा कतराती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लंगूर और बंदर दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आते हैं। पिछले साल तो हमारी रॉड को ही, मतलब जो पानी गर्म करने की रॉड होती है ना, बाहर लगा रखी थी बाल्टी में, रॉड को निकाल के बाहर रख गए और वो पूरी रॉड फूक गई, चूरा चूरा हो गया। पता ही नहीं चला हमें कि बंदर रॉड बाहर निकाल के चला गया। मुझे पता नहीं था कि मम्मी जी ने बाहर बाल्टी लगा रखी है पानी के लिए, तो मुझे नहीं पता था, मैं अपने अंदर थी। कमरे का मैं गेट लगा के रखती हूँ इसलिए दिन में, क्योंकि मुझे पता है बंदर आते हैं। तो इस चक्कर में रॉड पूरी फूक गई। जब बाहर आके देखा तो रॉड बाहर पड़ी है, पानी बाल्टी साइड में रखी है, और रॉड जैसे ही उठाई हाथ ऐसे लगाया ना तो चूरा 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 हो गया रॉड का कत्ता ही। तो चलो मैं आटा भी लगा लेती हूँ, यानी मांड लेती हूँ।
आटा मैंने मांड लिया, जितने बर्तन हो गए थे उनको मैंने वॉश कर दिया, उसके बाद मैं आ गई रसोई में। सब्जी हमारी बन गई थी तो मैंने कुकर में से सब्जी को किसी दूसरे यानी बाउल में पलट लिया, और कुकर को भी मैं वॉश करने के लिए ले जाऊंगी तो कुकर भी वॉश हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम रोटी बनाएंगे क्योंकि दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है। सब्जी बन गई, मैंने पलट के रख दी, कुकर बस कुकर रह गया बर्तन धोने के लिए, और बाकी बर्तन मैं भी वॉश करके आई हूँ, और दूध बॉयल होने अभी नहीं उबाल नहीं आया उसमें, तो अब बस रोटी पोने का काम रह गया है, तो रोटी बना लेते हैं हम। देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है, इसमें ना सुबह के थोड़े से चावल रखे हैं, ठीक है, और इधर हमारा दूध बॉयल हो रहा है, और इधर मैंने आटा जो मांड के रखा है वो अभी इसमें थोड़ा सा दोबारा से इसको सही करूँगी, अभी सही नहीं किया है तो वो, तो बाकी हमारा काम प्रॉपर फिनिश हो ही चुका है। तो जी 9 बजने में है 10 मिनट, फ़ैन ऑफ कर दिया ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि कई बार बहुत इश्यू हो जाते हैं, कई बार तो आवाज़ सही आती है, जैसे अभी मैंने सुबह जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें कुकिंग करते करते मैंने वीडियो में कुछ आपसे बात शेयर करी थी तो उसमें मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब सी गई थी, तो थोड़ी सी एहतियात मैं बरतना शुरू करूँगी इन सब चीज़ों को लेकर। तो खाना वगैरह हो गया है, ये गए हैं गुड़ लेने के लिए, दूध के साथ गुड़ लेना शुरू करूँगी अब मैं। वैसे मैं खाती थी गुड़ दूध के साथ, पर बीच में मैंने दूध पीना ही बंद कर दिया था, मुझे लगता था ना कि मेरे पेट में जो दर्द रहता है या एसिडिटी की जो मुझे प्रॉब्लम रहती है वो दूध की वजह से होती है, पर अब जब से दूध पीना मैंने बंद कर दिया है ना, तो कहते हैं ना कैल्शियम की कमी हो गई है, तो पूरी मुझे दूध से ही करनी है, तो दूध पीना मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। बल्कि ये कह रही है तो मुझे डांट लगाया था कि क्यों बंद किया, इन्हें नहीं पता मैं दूध नहीं पीती हूँ, मैंने बंद कर दिया है, तो अब दोबारा से शुरू करेंगे हम दूध को पीना। तो सभी लेडीज़ों को दूध पीना चाहिए यार, क्योंकि मैं तो अपनी हर वीडियो में ये बात आप लोगों से बोलती थी कि लेडीज़ों को तो दूध पीना ही चाहिए, क्योंकि यार इतना सारा काम होता है घर का और सब कुछ हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड होता है, झाड़ू पोछा कपड़े धोना ये सब। हाँ आजकल उतने ज़्यादा फिजिकल यूज़ हम नहीं करते हैं जितना पहले की मम्मियाँ, जैसे कि वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धो लेते हैं, और आजकल तो वो ऐसा वाला पोछा आ गया जो मेरे पास भी है वो वाला पोछा, पहले तो बैठ के पोछा लगाना, हाथ से कपड़े धोना ये सब होता था, पर इतना नहीं। और तो फिर ना बात ये भी है कि पहले जैसा खान पान भी नहीं रहा, पहले बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होती थी, आजकल तो जो भी सब्जियां उगाई जाती हैं उनमें आधे से ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए, जो फल फ्रूट्स उन्हें ताकि समय से पहले पका दिया जाए, इतने केमिकल्स यूज होते हैं, हम कितने केमिकल दिन में खा लेते हैं ना हमें खुद नहीं पता चलता, जो हम सोचते रहते हैं ना कि हम ये यूज़ ना करें हम ये यूज़ ना करें ये केमिकल है, और जो हम डेली बेस में जो सब्जी वगैरह खाते हैं उसी के थ्रू हमारे शरीर के अंदर कितने केमिकल पहुँच जाते हैं जाने अनजाने में हमें क्या पता चलता है। तो बस इसलिए तो दूध जरूर पीजिए, डेली पीजिए, और बस यही है। तो आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई होप नई आशा नई उमंग और नई जर्नी के साथ, तो घर पे रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और अपने अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।